हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 Pro 4 है, तो पोको X6 Pro 4 की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में गेम स्पेस है, तो गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर पाएंगे और गेम्स वगैरह को आप कैसे प्ले कर सकते हैं गेम टर्बो के ज़रिए, तो आज हम बताने वाले हैं कि गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे गेम टर्बो को ऑन कर सकते हैं पोको X6 प्रो फोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शोर है, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन हो जाएगी। सिंपली सिंपली आपके पास ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे फ़ोन सेटिंग्स को आप इस तरीके से ऊपर कर सकते हैं। तो आपके पास इसमें ऑप्शन आता है कनेक्शन एंड शेयरिंग्स का। कनेक्शन एंड शेयरिंग्स पे जाकर जो भी आप गेम स्पेस का आप यूज़ करना चाहते हैं या गेम स्पेस का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको कास्ट सेटिंग्स पे जाना होगा, डिमो सेटिंग्स पे भी चले जाना है, जिस पे जाकर आप गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं और गेम टर्बो को कुछ इस तरीके से ऊपर कर सकते हैं। तो गेम स्पेस से आपके फ़ोन में ऊपर हो जाएगा, तो कोई भी गेम से आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। और प्ले करते हैं तो आपका गेम बूस्टर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर इशू हो जाएगा, यानी जो आपकी गेम्स है बूस्ट हो चुकी है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी गेम्स को बूस्ट कर सकते हैं और गेम्स को प्ले भी कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर पाएंगे गेम स्पेस के ज़रिए। जैसे आप बैक करना चाहें तो बैक कर सकते हैं, और बैक करते ही आप सेटिंग्स पर दोबारा जा सकते हैं और भी गेम्स को आप प्ले कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हो। बैक करना चाहें तो बैक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं गेम टर्बो को ऑन करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।